Hello friends, I welcome you all in my GST series. Today's topic is Value of Supply, Section 15 of CGST Act, one of the most important section of the CGST Act, having 5 subsection under this Section 15. Detailed discussion on rule number 27 to 35. It discuss about the value. So in today's discussion, we will discuss how to determine the value of supply or goods or both. So मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रवि रायन एंड एसोसिएट में। आइए पीपीटी स्टार्ट करें। सेक्शन 15(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, टीवी मीन्स ट्रांजेक्शन वैल्यू। हाउ टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ अस, व्हाई आई नीड टू डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यू, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ सप्लाई, बी इट सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। हाईलाइट लेवी ऑफ टैक्स बिटवीन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाई। सेक्शन 11 हाईलाइट एग्जम्पशन ऑफ गुड। Section 12 and 13 highlight the time of supply of goods and services, but Section 15 determine the highlight the how will we determine the value of goods and services. So link come from Section 9 of CGST Act and Section 5 of the IGST Act. It means levy will be applicable once we calculate the value of goods and services. जब तक किसी सामान और सर्विसेज का मूल्यांकन नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगा, तो Section 9 CGST Act के अकॉर्डिंग लेवी किस पर लगाएंगे? क्वेश्चन आराइज। लेवी तो तब लगेगा जब उस किसी भी सामान की, किसी भी सर्विसेज की वैल्यू डिटरमाइन होगी। सो इन दिस स्लाइड वी आर डिस्कसिंग हम how will we determine the value of taxable supply, किसी भी सामान की ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। तो फर्स्ट कंडीशन इज सप्लाई एंड रिसिपिएंट नॉट बी रिलेटेड पार्टी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, प्राइस इज टू बी सोल कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई, मीन्स प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई। जब सप्लायर और सप्लाई आपस में रिलेटेड पार्टेड होंगे तो उस वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? जब सप्लायर और सप्लाई जब आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, विल डिस्कस इन सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, हु ऑल कम्स अंडर रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में किस किस को शामिल किया गया है? सप्लायर और सप्लाई, सप्लायर और रिसिपिएंट। फर्स्ट, सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर, मीन्स सप्लायर की तरफ से ऑफिसर और रिसिपिएंट की तरफ से किसी कंपनी का डायरेक्टर और वाइस वर्सा। सेकंड, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, लेट सपोज एक फर्म है ABC और सेकंड फर्म है BCD। बी जो पर्सन है वो दोनों में कॉमन पार्टनर है। इट मीन्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जब दोनों फर्म के बीच में होती है, दिस कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। रिलेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कम्स अंडर दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल होल्ड्स 20% कंट्रोल। नेक्स्ट, one of them directly or indirectly control the other companies, holding subsidy relations, they are member of the same family, the term person also include the legal person. So these all persons comes under related party transaction. Moving ahead, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करेंगे? फर्स्ट, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे अमाउंट लायबल टू बी पेड बाय द सप्लायर विच इज़ पेड बाय द रिसिपिएंट। जो सप्लायर होगा और रिसिपिएंट ट्रांजेक्शन्स होगी, अमाउंट लायबल टू बी पेड बाय द सप्लायर, जो सामान बेचेगा और रिसिपिएंट उसको पे करेगा। ऑल द टैक्सेस इंक्लूडिंग वाइल द टाइम कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई, ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग incidental expenses will include while the time determining the value of supply. Interest, late fees or penalty will include determining value of supply. Example, there are the many companies, the many major companies those dealing under this section. अगर आपने हमारे इस बिल का पैसा 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो 12% 10% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट का पैसा हो उनको मिलेगा, दैट विल बिकम अंडर द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सेस इंक्लूडिंग सब्सिडीज एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज, ऑल द अदर सब्सिडीज विल कम अंडर वैल्यू ऑफ सप्लाई। फी एंड चार्जेस मीन्स सारी ऑल द दिस डिफाइन स्टेप्स विल कवर अंडर वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब डिटरमाइन करेंगे तो ये सारी सर्विसेज हम ऐड करेंगे। एक्सक्लूडिंग एज पर द रूल 32A ऑफ CGSTR है, केरला फ्लड सेस विल नॉट बी इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। मूविंग एड सेक्शन 15(3) ऑफ CGST एक्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट इंक्लूड। What will not include in value of supply? One wonderful word. Literally, this is a very wonderful word called discount. There are many popular discounts are turnover discounts, quality discounts, quantity discount. This discount is given on achieving the given target. This discount should be given at the time of the supply and should be mentioned on invoice. Post supply of discount will be reduced from the supply value provided at the time of the supply. Both supplier and recipient are in agreement. Means discount आपको तभी मिलेगा जब आप supplier and recipient both are in agreement. First condition, second condition, आप this all the transaction should be mentioned over the invoice. अगर आपने गुड्स डिलीवर करते समय अगर इनवॉइस के ऊपर डिटरमाइन किया है, मेंशन किया है, वैलिड। अगर आपने गुड्स सप्लाई कर दिया है और उसके बाद आपने डिस्काउंट का प्रोविज़न है तो आप क्रेडिट नोट के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड द बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन एग्रीमेंट। सॉरी, मूविंग एट consideration versus sole consideration. What is consideration? Considerations means something of value given by both parties to conduct that induced them to enter into an agreement to exchange mutual performance. Sole consideration means what? Sole considerations means full and final and complete compromise and settlement of all claim, demands, action. Once we fulfill all these conditions, come under sole consideration. Absence of considerations, lack of considerations means considerations absence. Consideration is absent. Supply does not does not exist. Means if there is no consideration, there is no supply. But some exceptions are there. But for Schedule 1 transactions, Schedule 1 and exceptional transactions are exceptions. We are just talking about the Section 15(1). What does it mean? Absence of consideration. If there is no consideration, there is no supply. The very good example is कोई एक सीए किसी टेंपल के लिए, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे किसी मंदिर ट्रस्ट के लिए कोई साइनिंग करते हैं, बैलेंस फाइनेंशियल साइन करते हैं और वो उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते। इट मीन्स इफ़ देर इज़ नो कंसिडरेशंस, देर इज़ नो सप्लाई। मूविंग हेड presence of non-monetary consideration. Non-monetary consideration essentially meaning compensation in kind, such as the following. Compensation in kind such as the following: supply of goods and services in return of the provision of services, refraining or forbearing to do an act in return for provision of services. Tolerating an act or situation in return of provision of services, doing or agreeing to do an act in return for provision of services. What is discount? What is bad debts? A sale discount is a reduction in a price of a product. डिस्काउंट वो होता है जब आपको किसी टर्नओवर के बेस में कोई टारगेट अचीव करने पे आपको कोई डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट की वैल्यू आपके इनवॉइस वैल्यू में माइनस कर दी जाती है, राइट. व्हाट इज बैड डेट्स? Bad debts means while the time raising invoice, we raise the invoice to the recipient, but after some time, by the time passing some time and by the time we come to know कि पैसा नहीं आएगा, जब हमें पता चलता है कि वो पैसा नहीं आएगा तो that's called bad debts. उसको हम पूरा अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, करेक्ट. बैड डेट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा डेबिट करते हैं. So it's treatment of bad debts. Moving ahead, discount versus bad debts, same. Consideration by third party. Consideration by third party means when we get payment through the third party. This call third party payment. दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडस्ट्री कि ए जो बंदा है बी से सामान लेता है और उसकी पेमेंट सी करता है ऑन बिहाफ ऑफ. दिस विल इंक्लूड इन द वाइल द टाइम डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ट्रेडिंग कंपनी में जो भी गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जितना भी हम रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल परचेज करते हैं, दैट्स कम अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दिस इज ओनली जस्ट डेफिनेशन. Determining of value of supply using rule section 15(4) and 15(5). This is in case value of supply of goods and goods or supply, if value of supply cannot be determined as per the above mentioned general provision, the same shall be determined in such manner as the prescribed. The manner prescribed is as per schedules 6. Determine value of supply rule 17 to rule 35. These is the very important rules under the section 15, rule 27 to 35, how to determine the value of supply. Moving ahead, value of supply additional consideration. First, value of supply of goods and services when consideration not wholly in money. First, value of supply will determine open market value. How will we determine? कैसे मिलेगा open market value? Let's suppose मैंने एक कार परचेज की, जिसकी मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए. मेरे पास एक सेकेंड हैंड कार थी, मैंने उसको एक्सचेंज किया जिसकी मुझे रीसेल वैल्यू 5 लाख मिली और मैंने 10 लाख की कैश पेमेंट की. 5 लाख एक्सचेंज वैल्यू, 10 लाख मैंने कैश दिया, तो मुझे गाड़ी पड़ी 15 लाख की. सेम प्रोडक्ट मैंने ओपन मार्केट वैल्यू में दूसरे शोरूम में पता किया जिसकी मार्केट वैल्यू भी 15 लाख थी. दिस इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू. मीन्स सेम प्रोडक्ट, सेम साइज, सेम क्वालिटी और सेम काइंड ऑफ फीचर्स मार्केट में सेम रेट में लमसम जब पता चलता है तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू. की सेम प्रोडक्ट की वैल्यू ओपन मार्केट में क्या है और कैसे डिटरमाइन की जा रही है. अगर किसी सामान की और सर्विसेज की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती तो देन विल मूव टू सेकंड रूल. व्हाट सेकंड रूल सेज? वैल्यू ऑफ सप्लाई सम टोटल ऑफ मनी प्लस. फर्स्ट इज मनी, सेकेंड इज, इसी का सेकेंड सेगमेंट बोलता है मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन एट द रेट टाइम ऑफ सप्लाई। हमने कोई डील की है, उसमें आधा हमने मॉनेटरी टर्म रखा है और आधा हमने काइंड में रखा है कि हम बार्टर सिस्टम को एक्सचेंज कर लेंगे कोई प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे। सेकंड स्टेप है कि मनी प्लस नॉन मॉनेटरी टर्म्स को हम डिटरमाइन करेंगे तो ओपन मार्केट वैल्यू हमें मिल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ओपन मार्केट वैल्यू हमें मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो विल मूव टू सेकंड रूल। सेकंड रूल सेज फर्स्ट मनी टर्म प्लस नॉन मॉनेटरी टर्म्स को हम डिटरमाइन करेंगे ओपन मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अगर सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो विल मूव टू थर्ड स्टेप। व्हाट थर्ड स्टेप सेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। व्हाट डज इट मीन काइंड ऑफ क्वालिटी? मेरे पास दो फ़ोन है, अगर दोनों, एक फ़ोन की कीमत मुझे पता है, दूसरे फ़ोन की कीमत मुझे नहीं पता है, तो दोनों फ़ोन के हम दोनों फ़ोन को पहले आपस में कंपेयर करेंगे। सेम साइज़, क्वालिटी, फीचर्स, व्हाट्स इज सॉफ्टवेयर और ऐप और मल्टी फंक्शंस विल डिटरमाइन। सो सेम प्रोडक्ट की वैल्यू हम विल ट्राई टू डिटरमाइन कि मार्केट में उस सेम प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू नहीं पता है और जिसकी वैल्यू पता है तो आपस में कंपेयर करेंगे, तो लमसम कुछ अमाउंट हमें पता चलेगा कि हाँ जी इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई इसकी क्या मानी जाएगी। और जब थर्ड स्टेप भी काम नहीं करता देन विल मूव टू फोर्थ स्टेप। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन विल बी एज पर द रूल 30 और 31। मूविंग एड, व्हाट इज़ ओपन मार्केट वैल्यू? मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि मेरे पास एक गाड़ी थी मैंने और एक सेकेंड हैंड गाड़ी थी, उसको मैंने 5 लाख में बेची और 10 लाख का कैश दिया, 15 लाख की मुझे गाड़ी मिली। सेम गाड़ी जो अगर मैं मार्केट में पता करता हूँ वो भी अगर 15 लाख की, तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू कि हमने जो डिटरमाइन किया दोनों 15-15 लाख है, तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू। सेकेंड का थर्ड कंडीशन थी हमारी, थर्ड कंडीशन आपकी बोलती है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम क्वालिटी, क्वांटिटी, फंक्शन, कंपोनेंट, मटेरियल एंड द रेपुटेशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ फर्स्ट मेंशन इन द सेम। मेरे पास दो फ़ोन थे, अगर एक फ़ोन की कीमत मुझे पता है, दूसरे की मुझे पता लगाना है, तो सेम प्रोडक्ट का, सेम फीचर, सेम ब्रांड का, उससे मिलता जुलता मैं मार्केट में पता लगाऊंगा कि कितने का आ रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है मार्केट में। सो आई ट्राई टू फाइंड आउट द व्हाट इज़ ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट। मूविंग एट, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पार्टी पर हमने सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा वो हु ऑल कम्स अंडर दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। सो वैल्यूज़ की भी सेम डिटरमाइन होगी, ओपन मार्केट वैल्यू देखा जाएगा। अगर ओपन मार्केट वाली कंडीशन फेल हो जाती तो विल मूव टू सेकंड कंडीशन विच कैलकुलेट लाइक काइंड एंड क्वालिटी। इसके थ्रू हम उसको डिटरमाइन करेंगे, अगर वो भी कंडीशन फेल हो जाती है तो सेक्शन 30 एंड 31 के थ्रू हम किसी वैल्यू की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। गुड्स और सर्विसेज एजेंट सेक्शन रूल 29। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट टू बी ओपन मार्केट वैल्यू सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज 90% ऑफ द प्राइस फर्स्ट कंडीशन and goods of like kind and quality at the rate option of supplier. this is option to the supplier कि वो अपना प्रोडक्ट जो है उसके पास जो उसने परचेज किया है वो उसको आगे कितने में सप्लाई करेगा। मैं एक सामान लेके आया हूँ, मुझे पता है इसकी जो मेरी बाइंग कॉस्ट क्या है, तो मैं उसको आगे कितने में सप्लाई करूँगा। this is up to option to supplier highlighted। ऑप्शन टू सप्लायर, मैं उसको आगे लॉस में भी बेच सकता हूँ, मैं उसको आगे प्रॉफिट में बेच सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे 90% ऑफ द प्राइस मुझे उसमें चार्ज करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा अगर मैं कम करता हूँ तो दिस कम्स अंडर द एक्ट प्रोविज़न। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइन विल बी एज पर द रूल 30 और 31। अगर इस सेक्शन से भी काम नहीं चल पाता है एजेंट वाले से तो विल मूव टू रूल नंबर 30 एंड 31। मूविंग हेड, रूल 30 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट। value of supply of the goods or services of the board based on cost 110%. 110% कैसे निकलेगा? Cost of production, cost of acquisition, cost of provision. Value cannot be determined by the rule of 27 to 29. जो 27 से लेकर 29 तक के अंदर हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, उसको रूल 30 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे. Rule 30 रेसिडुअल मेथड. रेसिडुअल मेथड के अंदर वैल्यू शैल बी डिटरमाइन बेस्ड रीजनेबल मीनिंग कंसिस्ट विद प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 15 CGST एक्ट. ट्रांजेक्शन वैल्यू generally efforts should be made by the officer to arrive the nearest market, underline nearest market value, by some means. So these are the process to determine the value of the services supplies. Lottery के केस में rule 31A, value of supply of lottery authorized by the state government shall be deemed to be 128%. Whatever the face value of the lottery will count as the value of supply. Value of supply of actionable claim. Value of supply of the actionable claim means in the form of the chance to win betting, gambling, or horse racing in race club should be 100% of the face value. 100% of the face value. Moving. Determine the value of supply certain special certain specified supplies. Purchase and sale of the foreign exchange currencies. Rule number 32(2). These all are the based on the formula. How will we reached on taxable value? How will we determine the taxable value and how will we determine the transaction value? Value of supply कैसे determine करेंगे? Difference between the RBI reference rate, buying rate, selling rate of the RBI. मॉर्निंग में जो रेट था आरबीआई का, शाम को जब इवनिंग क्लोजिंग टाइम है वो रेट डिटरमाइन करना. आरबीआई का रेफरेंस रेट जो उनके चार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट. इफ़ आरबीआई रेफरेंस रेट इज़ एनए 1% ऑफ द GACE. व्हाट डज इट मीन? ग्रॉस अमाउंट करेंसी एक्सचेंज. ग्रॉस अमाउंट करेंसी एक्सचेंज. So these all the functions depend on the formula. So I'm not going into this all the formulas. So you can copy from here in this slide. Purchase of sale of foreign currencies. These all the same. Gross amount currency exchange up to ₹1 lakh. 1% of the gross amount currency exchange or ₹250 and higher. These all on the formula. 10 lakh. ₹100 0.5% GACE and 10 lakh के लिए 5,500 0.01% of the GACE. Correct. This all on the based on the formula. Next, value of supply in case of booking of the eight travel agent. 5% of the basic fare in case of domestic. International के केस में 10% of the basic fare. These all depend on these all are the formula system. Insurance company के केस में value of supply कैसे determine होगी? Investment policy, investment percentage mention value of supply means gross premium amount जो pay किया जा रहा है minus investment percentage. So these all depend on the formula. Dealing second hand goods. Difference between the selling price and buying price. No ITC on purchase. Negative difference is ignored. So this is condition is while the time buying we are buying second hand goods. Pure agent के केस में सारी condition fulfill होगी तब जाके उसको pure agent माना जाएगा. तो condition are supplier act as a pure agent of recipient of supply. Recipient of supply use the services. Recipient of supply liable to make a payment to third party. Recipient of supply authorized to make a payment on behalf. Recipient of supply knows No's, payment made by the supplier, services shall be provided by a third party. So अगर कोई बनता है ये सारी condition fulfill करता है तो this he will call as a pure agent. So these are the additional conditions. Payment made on behalf of the recipient, supplier recover from the recipient, supply services procured by supplier from third party. If all the above conditions are satisfied, cost incurred by the supplier as a pure agent shall be excluded from the value of supply. Moving forward, rate of exchange of currency, value of taxable goods, applicable rate of the exchange as notified by the board under the section 14 of the Custom Act 1962, value of taxable supply, applicable rate of exchange determined as per the GAAP, generally accepted accounting principle. So इसके अकॉर्डिंग हम रेट डिटरमाइन करेंगे. So this is the last slide. The value of supply include central tax, integrated tax, state tax and union territory tax. Value of supply include all these taxes and this is the formula. So दोस्तों आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ आपको ये पीपीटी अच्छी लगी होगी. मेरा यूट्यूब चैनल रवि रायन एंड एसोसिएट आप सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप नीचे लिंक पे फेसबुक और ट्विटर हैंडल को भी आप लाइक कीजिए. अगले टॉपिक में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.